नमस्कार जय हिंद। मैं बाद इंडिया वाले पहुंच जाते हैं आयरलैंड। नई टीम का नया कैप्टन, नया कोच और इस टीम में ब्लू जर्सी पहनने की शुरुआत करते हैं अलीगढ़ से रिंकू सिंह। वैसे रिंकू की तारीफ में जितने शब्द लिखे कम पड़ेंगे। वैसे तो हमने आपको कल की वीडियो में बता दिया था कि आखिर रिंकू सिंह को देखने के लिए क्यों हम और पूरा देश एक्साइटेड है, लेकिन रिंकू ने भी अपने दूसरे मैच और पहली पारी में ही बता दिया कि आखिर हम उन्हें किंकू क्यों कहते हैं। कहने को रिंकू ने खाली 21 गेंदे खेले, लेकिन इन 21 गेंदों में उन्होंने 21,000 रुपए की मौज करा दी बेटे। एक काम करते, शुरू से बताते हुआ क्या। पिछले मैच में रिंकू सिंह का जलवा नहीं देख पाया आयरलैंड वालों ने, सोचा कि ये लड़का बिना परफॉर्म किए चला गया तो हमारे देशवासी ही घाटे में रहेंगे, इसलिए अब की बार उन्होंने टॉस जीत कर पहले इंडिया को बैटिंग करने बुला लिया। यशस्वी जायसवाल हमेशा की तरह बुलेट ट्रेन पर सवार दिखे, लेकिन उन्होंने और तिलक वर्मा ने जो जलवा वेस्ट इंडीज में दिखाया था वो अभी तक आयरलैंड में तो दिखा नहीं। दोनों ही बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर अपना कैच दे बैठे। इस बीच दूसरे ओर एंकर का रोल निभा रहे ऋतुराज गायकवाड़ ने दिखाया कि धोनी भैया उन पर फर्जी का भरोसा नहीं करते। छोटे ग्राउंड और इनएक्सपीरियंस गेंदबाजों का फायदा उठाते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने बखूबी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी, बढ़िया खेला। संजू भैया भी इस बीच धूम मचा दे रंग जमा दे वाला हिसाब किताब सेट करके आए थे। उन्होंने भी 26 गेंदों में 40 की बढ़िया पारी खेली, लेकिन एक वक्त पर 180 का स्कोर आराम से टापती दिख रही टीम इंडिया को अचानक से आयरलैंड में किसी की बुरी नजर लगी। 15 ओवर के बाद जब असल में रन गति और बढ़ाई जाती है, हमारी रन गति कछुए से कंपटीशन करने लगी। रिंकू और खासकर शिवम दुबे के बल्ले पर गेंद ही नहीं आ रही थी, 3 ओवर बिना किसी बाउंड्री के निकले, लेकिन रिंकू बॉय है, जहां फिनिशिंग स्किल्स है वहां। रिंकू ने 19वें ओवर में लंबे टाइम से चल रहा बाउंड्री का सूखा खत्म किया और इस ओवर में रिंकू ने 2 छक्के और 1 चौका लगाया। खरबूजे को देखकर खरबूजे ने भी रंग बदला। आखिरी ओवर में पहली 2 गेंदों पर शिवम दुबे ने भी 2 लंबे लंबे छक्के लगाए। उस ओवर में रिंकू भाई ने एक और छक्का लगाकर एकदम ही तड़का लगा दिया और टीम इंडिया ने आखिरी 12 गेंदों में 42 बनाकर टीम इंडिया का स्कोर 185 तक पहुंचा दिया। टारगेट अच्छा खासा था, लेकिन आयरलैंड के रीच में था। आयरलैंड की गाड़ी पटरी से उतरने के शुरू में ही हमको विकेट चाहिए थे और ये काम किया प्रसिद्ध कृष्णा ने। कप्तान स्टर्लिंग और विकेट कीपर टकर एक ही ओवर में अपने विकेट का चढ़ावा कृष्णा जी को चढ़ा गए। मिडल ओवर में टक्टर और कर्टिस कैम्फर भी कुछ खास आयरलैंड की मदद करके गए नहीं, लेकिन फिर भी टीम इंडिया के चेहरे पर खुशी दिख नहीं रही थी। इसकी वजह थी ओपनर बिल बर्नी गेंद देखो गेंद पेलो योजना के अंतर्गत खेल आए थे। भैया अपनी 72 रन की पारी में बिल बर्नी ने 4 छक्के और 5 चौके लगाए। जब वो क्रीज पर खड़े रहे तब तक टीम इंडिया वालों को लगा कि एक और संडे मनहूस हो जाएगा, लेकिन हर्षदीप ने उनको आउट करके अपना खराब फॉर्म का रिडम्पशन किया। लेकिन जिस तरह छात्र नेताओं की पहुंच ऊंचे ऊंचे तक होती है, उनके उलट आयरलैंड के बल्लेबाजों की काफी नीचे नीचे तक है। 24 गेंदों में 62 चाहिए थे। डब्लिन के छोटे मैदान पर कोई बड़ी बात नहीं थी इतना बनाना, लेकिन आयरलैंड वालों के सामने बड़ी बात यह थी कि जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर बाकी थे। 17वें ओवर में बुमराह ने पिछले मैच में आयरलैंड के हाईएस्ट स्कोरर मैकार्थी का विकेट लिया और फिर 20वें ओवर में विकेट मेडन डालकर टीम इंडिया को 33 रन की अच्छी खासी जीत दिला दी। इसी के साथ एक मैच रहते टीम इंडिया ये सीरीज 2-0 से जीत गई। अपनी पहली इनिंग में आयरलैंड का धुआं धुआं कर देने वाले रिंकू प्लेयर ऑफ द मैच बने।